नमस्कार पिलेमाने, आजिर आमर विषयटी हेउछि फासीवाद ओ नाजीवादर विकास। एहि विषयरे आमे पढ़िबा विश्वयुद्ध परर वाणिज्य कारबार, विश्वयुद्ध परर कृषि क्षेत्र, इटालीरे फासीवादर विकास। ताहले चालो प्रथमे आमे पढ़िबा विश्वयुद्ध परर वाणिज्य कारबार। प्रथम विश्वयुद्धर फल रूपरे पृथ्वीरे राजनैतिक अस्थिरता, अर्थनैतिक संकट, समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन, जातीयवादी जनजागरण आदि समस्या देखा देइथिला। प्रथम विश्वयुद्ध प्रभावरे युक्तराष्ट्र अमेरिका और यूरोपर वाणिज्य व्यवसाय बाधाप्राप्त होइथिला एवं आर्थिक व्यवस्था शोचनीय होई पड़ीतिला। कलकारखाना गुड़िकर उत्पादन मध्य ह्रास पाइतिला। 1929 रु 1933 मसिया मध्यरे अर्थनैतिक संकट उत्कट रूप धारण करितिला। वर्तमान आमे पढ़ीबा विश्वयुद्ध परर कृषि क्षेत्र। शिल्प विप्लव पाई कृषि क्षेत्र रे यांत्रिक पद्धतिर व्यवहार फल रे कृषि उत्पादन वृद्धि होइतिला। युद्ध पाई वाणिज्य व्यवसाय बंद हेबा फल रे कृषिजात द्रव्य क्रय होइपारिलानी, फल रे कृषि श्रमिकंक दुरावस्था वृद्धि पाइतिला। वर्तमान आमे पढ़ीबा फासीवादर आरंभ किपरि होइतिला। देशरे समाजवादी और साम्यवादी दल श्रमिक आंदोलन नेतृत्व नेले। राजनैतिक और अर्थनैतिक अवस्थार उन्नति दाबी करी सेमाने श्रमिक आंदोलन नेतृत्व नेइथिले। लक्ष्य थिला विप्लव द्वारा राजतंत्र लोप करी प्रजातंत्र प्रतिष्ठा करिबा। श्रमिक आंदोलन को दमन करिबा पाई उग्र जातीयवादी तथा एकछत्रवादी शक्ति मानंकर उत्थान हेला। सही शक्ति मानंकु फासीवादी शक्ति कहगला एवं सेमानंकर चिंताधारा को फासीवाद कहगला। सेही फासीवादर मूल लक्ष्य थिला हिंसात्मक पंथा द्वारा जणे बा मुष्टिमय व्यक्तिंक हातरे समस्त शासन क्षमता केन्द्रीभूत करी देशरे एकछत्र शासन प्रतिष्ठा करिबा। वर्तमान आमे पढ़ीबा इटालीरे फासीवादर विकास। प्रथमे इटाली ओ जर्मानीरे फासीवादी आंदोलनर सूत्रपात होइथिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे इटालीरे फासीवादर विकास घटीथिला। लाटिन शब्द फासिस रु फासीवादर सृष्टि। दलीय संकेत थिला कुराड़ी सह बिड़ाए काठी। उपनिवेश लाभ आशारे इटाली मित्र शक्ति पक्षरे जोग देला, किंतु प्यारी शांति सम्मेलनी रु इटाली निराश होई फेरी दिला। इटाली रे फासीवादी आंदोलन रो कर्णधार थिले बेनितो मुसोलिन, जहांको चित्र तुम्हें देखि पारुथिबो। से 1883 मसीहारे रोमान रे जन्मग्रहण करिथिले। प्रथम विश्वयुद्ध रे से जने श्रमिक भावरे कार्यरत थिले। फासीवादी दलकु कला कुर्ता बाहिनी मध्य कुहा जाउथिला। इटालीर राजा तृतीय विक्टर इमानुएल शांति श्रृंखला
ଫେରାଇବାରେ ଇଟାଲୀରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ତୃତୀୟ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ, ଯାହାଙ୍କ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ। 1921 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିନଥିଲେ। ବଳପୂର୍ବକ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରି ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁସୋଲିନ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ସହିତ 1922 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ଦିନ ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ରୋମ୍ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। 1922 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ମୁସୋଲିନ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ମସିହାରେ ଫାସିବାଦୀ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଫାସିବାଦୀ ଦଳକୁ କଳାକୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଟାଲୀରେ ଫାସିବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜର୍ମାନୀରେ ନାଜିବାଦର ବିକାଶ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ।